आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है असफलता और निराशा का सामना कैसे करें। असफलता और निराशा से कोई नहीं बच सकता, परंतु हमें हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जब आप असफलता और निराशा के दौर में हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपको यह समझना है वह अवधि आपके जीवन का सबसे आध्यात्मिक रूप से उत्पादक समय होगा। जब भी आप असफलता और निराशा से जूझ रहे हो, वो समय आध्यात्मिक रूप से आपके लिए उत्पादक होगा। हमें असफलता और निराशा जीवन में मिलती रहती है, और जब हम बाइबल में देखते हैं तो आदम और हवा इन्होंने पाप करके अपने जीवन में असफलता प्राप्त की। कैन और हाबिल, इब्राहिम और सारा, सारा ने और इब्राहिम ने विश्वास नहीं रखा पूरी तरह से कि परमेश्वर उनको बेटा देगा। याकूब और एसाव, यूसुफ और उसके भाई जिन्होंने यूसुफ को ख़त्म करने की कोशिश की थी, नादाब और अबीहू, इसराइल और कनान, सैमसन और दलीला, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है, सैमुअल और उसके बेटे, और डेविड और बतशेबा। बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। एक के बाद एक शिष्य और एक के बाद एक चर्च को विफलता और निराशा से चिन्हित हम बाइबल में पाते हैं। भले ही असफलता और निराशा से कोई नहीं बच पाता, इसलिए हमें इस पर एक योजना बनानी चाहिए और इससे लाभ कमाने की दृष्टि से इसकी तैयारी करनी चाहिए। लॉकडाउन के समय में बहुत से दुकान बंद थे, लोगों की रोज़ाना आमदनी बंद हो गई थी, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया और एक नई योजना के साथ, नई तैयारी के साथ और दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना कार्य फिर से शुरू किया। तो हमें निराश नहीं होना है, हमारे असफलता पर कोशिश करते रहना है, थकना नहीं है, और जितनी आप कोशिश करते हो आपको उस बाइबल में हम पाते हैं कि जो 10 आज्ञाएं हैं उसका पालन करने में बहुत से लोग कम पड़ गए। आध्यात्मिक और नैतिक विफलता तो सबसे आम है। कुछ उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। इसराइल अकेले परमेश्वर की आराधना करने में असफल रहा। डेविड जीवन और विवाह की पवित्रता का सम्मान करने में विफल रहा। आकान सोना चुराने में असफल रहा। हनन्या और सफीरा पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर असफल हो गए, और देमास इस संसार के धन का लालच करके
असफल हो गया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप धनी बने, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो। धन प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, परंतु धन प्राप्त करने के वक्त आपको धन का लालच नहीं करना है। जितना आपको परमेश्वर देता है आपके कार्यों के अनुसार, आप खुशी से वो स्वीकार करें। क्योंकि मैं खुद कभी कभी जब ट्रेडिंग करती हूँ तो मेरे मेहनत का जो फल मुझे आता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि राउंड फिगर बनाई जाए। मतलब अगर 5,000 चेंजेस कुछ प्रॉफिट आता है तो मुझे लगता है कि 6,000 राउंड फिगर बनाई जाए, और उस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और जितना मैंने कमाया उसमें से कुछ अमाउंट मुझे गंवाना भी पड़ता है। इसलिए प्रियो, आपको ज़्यादा धन प्राप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी आपके हाथों में परमेश्वर देता है उसे आप स्वीकार करिए और मेहनत करते रहिए। धीरे धीरे परमेश्वर आपको उन्नति देगा जो भी काम आप करते हो। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 73 अध्याय और वचन 26 में, मेरा शरीर और मेरा हृदय विफल हो सकता है, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय और मेरे हिस्से की शक्ति सदैव रहेगा। परमेश्वर आपको शक्ति देगा। अगर किसी बीमारियों से आप जूझ रहे हो तो आपके शरीर में आप शक्ति महसूस करोगे। हमारे खानदान में हार्ट डिसीज जेनेटिक है, बहुत लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है। हमारी दो बुआ है, उन्हें भी कई बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें लंबी उम्र दी है। आज मेरी बुआ 83 इयर्स की है और वो अपना काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है, अपने खान पान और अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखती है। तो हमें भी हमारे शरीर का ख्याल रखना है, और जितनी आयु परमेश्वर ने हमारी रची है उतने दिन हमसे कोई इस दुनिया का छीन नहीं सकता है। तो डरिए मत अगर आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हो या किसी सर्जरी से गुजरना पड़ता हो, क्योंकि हम शरीर में हैं और शरीर नश्वर है, पर हमारा जो आत्मा है वो अमर है। इसलिए चिंता मत करिए, आपकी जितनी आयु है उतने दिन आप इस दुनिया में रहोगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप सब कुछ कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉस हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा लोन हो, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। यह विश्वास आपको रखना है। पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें हमारी पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना में सबसे पहले कहती हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ़ करो। तो हमें रोज़ परमेश्वर को पाप क्षमा मांगनी चाहिए और इसके कारण अंदरूनी शुद्धिकरण हमारे में होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्मी है। नीति वचन 24 और वचन 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति के समय ठोकर खाता है। इसलिए प्रियो, जब भी कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में आती है, हम उठ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान है। नीति वचन 28 और 13 में हम पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सुफल नहीं होता है, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो हमें अपराध हमारे परमेश्वर के सामने छिपाने नहीं हैं। जब हम हमारे अपराध को कन्फेस करते हैं तो हमारे हाथों के काम को वो सफलता देता है। अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हो, आपको सफलता चाहिए, तो अपने अपराध आप छुपाना, अपने अपराधों को कबूल करिए ईश्वर के सामने। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 7 में हम पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अगर आप किसी भी लॉस से जा रहे हो, किसी भी शारीरिक पीड़ा से जा रहे हो, आपके घर में अगर सताने वाले लोग हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए, वो आपकी सहायता ज़रूर करेगा। दूसरा इतिहास 26:5 में हम पढ़ते हैं, उसने जकर्या के दिनों में परमेश्वर की खोज करने के लिए स्वयं को तैयार किया। जकर्या ने उसे परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा दी और जब तक वह परमेश्वर की खोज करता रहा, परमेश्वर ने उसे समृद्ध बनाया। तो अगर आपको समृद्धि चाहिए तो परमेश्वर को खोजिए। आप परमेश्वर को कैसे खोजते हो? बाइबल अध्ययन करिए, वचनों को समझे, वचनों के ट्रांसलेशन अलग अलग वर्जन्स में, बाइबल के अलग अलग वर्जन्स है, उसमें वचनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। जब आप वचनों को अच्छी तरह समझोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, अपने पापों की क्षमा मांगोगे, तो आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वह बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है। और जब वो रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है तो आप समृद्धि पाते हो। प्रियो, जब मैं जॉब करती थी तो मेरी जो तनख्वाह थी वो 28 दिन में ख़त्म होती थी। महीना 30 का होता था पर 28 दिन में मेरी तनख्वाह ख़त्म होती थी और मेरे पास 1000 रुपीज़ भी नहीं रहते थे अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो हॉस्पिटल जा सकूँ। पर आज परमेश्वर ने मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं दी और उसने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, उसने मुझे बहुत आयत से दिया। तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से देगा अगर आप परमेश्वर की खोज करते रहो। परमेश्वर की खोज करते रहो, रुकना नहीं है। और कठिन परिस्थिति आपको परमेश्वर की खोज करने में मजबूर करती है, इसलिए कि आप समृद्ध बने। जब भी कोई खतरा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको गिराना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई रचना है, पुराना तो मर गया, देखो नया आ गया है। नई रचना का मतलब यह है कि हमारे सोचने का तरीका बदल जाना, हमारी समझने का तरीका बदल जाना
और हम एक मैच्योरिटी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर बदल गया है, बट अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में हुआ है। दूसरा तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, संयम बरकरार रखना बहुत मुश्किल बात है। आपको आपके दफ्तर पर संयम रखना है, आपको आपके घर पर संयम रखना है, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए, संयम रखने की आदत आप डालिए। अधिनियम 2:38 में हम पढ़ते हैं, और पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो कितना सुंदर वचन है, पवित्र आत्मा का दान अगर आपको चाहिए तो यीशु में बपतिस्मा लो। और हम सबका बपतिस्म हो गया है और हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान मिला है, तो इसलिए उसके नाम की जय जयकार करो। अधिनियम 22:16 में हम पढ़ते हैं, और अब आप इंतज़ार क्यों करते हैं, उठो और बपतिस्मा लो और उसका नाम लेकर अपने पाप धो डालो। बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था विवरण 31:6 में हम पढ़ते हैं, मजबूत और साहसी बने, उनसे मत डरो और न डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग चलता है, वह तुम्हें न छोड़ेगा न त्यागेगा। अगर कोई लोग आपको सताते हो तो आप डरो मत, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ चलेगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो किसी से भी डरना नहीं है, अपने दिल से वो डर लोगों के प्रति आपने रखा है वो आपको निकाल के फेंकना है। आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, तो आपको भेजने वाला परमेश्वर है और आपको ले जाने वाला भी परमेश्वर है, तो वो आपके साथ है, इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं है। जो जो बोएगा वही काटेगा, इसलिए कितनों का उसमें प्रवेश करना बाकी है, और जिनको पहले शुभ समाचार मिला वे अवज्ञा के कारण प्रवेश करने से वंचित रह गए हैं। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर एक बार फिर से कहता है, यशया की पुस्तक 41:10 में, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, निराश नहीं होना, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभालूँगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ता हूँ, और जो तुम से कहता हूँ डरो मत, मैं ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो बहुत सारे वचन हैं यहाँ पर, और मैंने सोचा कि ये वचन आपसे मैं शेयर करूं। यहोवा गिरते हुओं को संभालता है। रोमियों की पुस्तक अध्याय 8:28 में पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब वस्तुएं मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसके प्रयोजन के अनुसार बुलाए गए हैं। कितना सुंदर ये वचन है। आज मैं एक समस्या में पड़ गई थी, और फिलिपियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो आज मैंने ये वचन जो है फॉलो किया, और आधे ही घंटे में मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मेरे जीवन की गवाही के अनुसार आपको बताती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रार्थना में परमेश्वर को बताओ, वो ज़रूर आपकी सहायता करेगा। इस दुनिया में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, पर परमेश्वर ज़रूर आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रियो,
जब भी असफलता और निराशा को आप आपके जीवन में झेलते हो, तब निराश ना हो। ये याद रखे कि ये समय सबसे आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन में उत्पादक समय होगा, आपका अच्छा होगा। ये समय आपके जीवन में समृद्धि प्रदान करेगा आगे जाकर। आशा करती हूँ ये कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबको जय मसीह की।